बच्चे अपना येलो चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं और हल्की हल्की सी धूप है, हल्का हल्का सा छांव है, तो बच्चे यहाँ के इसको वायरस हो गया है। देखो इधर इधर वायरस हो गया, इसके वायरस को मैं निकाल करके इसको बनाऊंगी। क्या है जी? क्या है जी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रात में काफ़ी सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, तो बस सुबह सेट कर रही थी सारे के सारे, क्योंकि सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा था, बच्चों का कमरा। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बस मॉर्निंग में कुछ कुछ काम थे वो सुबह सुबह निपटा दिए, रात में काफ़ी सारे कपड़े प्रेस करके रखे थे, तो वो सारे कपड़े सब अच्छे से जो जिसके जहाँ पे रहते हैं वो सारा सेट कर दिया, कर्टन वगैरह प्रेस किए थे वो भी रख दिए, और बच्चों के लिए बना दिया है यहाँ पे नाश्ता। तो उनका बना है पास्ता, क्योंकि उनको खाना था सुबह सुबह पास्ता, तो चलो ठीक है खिला दिया। सुबह सुबह खा लेंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा, अच्छे से पेट भर जाएगा, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी। और बस यहाँ दूध उबालने के लिए रख दिया है, और आज एक चैलेंज है। आज मैं पूरा दिन शाम तक सुबह से जो भी खाती हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, मिड में भी जो खाती हूँ, मिड मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इसमें जो भी कुछ लूँगी खाऊँगी सब ग्रीन ग्रीन सा खाऊँगी। तो आज ग्रीन फूड चैलेंज है, आज पूरा दिन मुझे ग्रीन ग्रीन खाना है, और ऐसा फूड खाना है जो कि हेल्दी हो और जिससे वेट भी ना बढ़े, सब कुछ सही, ऑयली ऑयल ज़्यादा ना रहे उसमें, ऑयल थोड़ा मोड़ा चलेगा पर ज़्यादा ऑयल ना रहे, तो सब कुछ हरा हरा खाने वाली हूँ। क्या खाने वाली हूँ तो बने रहेगा ब्लॉग में। आज पूरा दिन हरा ही हरा खाना है, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं ऐसा हरा हरा चीज़ क्या बनाऊँ, हरी हरी चीज़ें क्या खाऊँ। तो बने रहेगा ब्लॉग में, आज पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या खाने वाली हूँ मैं ग्रीन ग्रीन सा। ग्रीन ग्रीन में आज नाश्ते में क्या खाने वाली हूँ, आज मेरा नाश्ता रहेगा कुछ ऐसा। तो ये वाली बीन्स ले रखी है, इसे बरबटी भी बोलते हैं, तो बस इसे कट कर लिया अच्छे से धो करके, और कुछ ये बड़े बड़े साइजेस में कट करा है, आज मैं यही बस खाऊंगी, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन ऐसा क्या खा सकती है, तो मुझे यही सूझा, और ये काफ़ी अच्छा भी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी लगता है। बस इसे फ्राई करूंगी हल्का सा, मतलब फ्राई नहीं, हल्का सा ऑयल डाल करके जो भी करूंगी, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें डालूंगी हल्का सा ऑयल, है ना, ज़्यादा नहीं डालना है, ऑयल बहुत ही हल्का सा जाएगा इसमें, और ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, और ग्रीन ग्रीन ही खा सकते तो लहसुन प्याज तो यूज़ नहीं कर सकते, वाइट होते हैं वो, तो ये सारी की सारी बीन्स चली जाएगी इसमें, बरबटी। बस इसे हल्का सा सौते करूँगी और खाऊँगी, बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसमें थोड़ा और स्वाद लाने के लिए ना इसमें डालूँगी हल्का सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। अब आप इसके लिए मत बोलना कि ये भी हरा हरा यूज़ करो, ये तो छल जाएगा। बस तो ये भी पक के तैयार हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में, और आज खाती हूँ बढ़िया सा बरबट्टी कुछ इस तरह से। बच्चों ने तो अपना खाना स्टार्ट कर दिया, और मैं भी अपना हरा हरा खाना स्टार्ट कर दूं, इसे खा के देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा लग रहा है इसका डिश। ये क्या है मम्मा? ये क्या है? ये बरबटी है, आज मैं पूरा दिन ग्रीन ग्रीन सा खाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कच्ची सब्जी खा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, काली मिर्च और नमक का फ्लेवर है इसमें, बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सॉल्टी है बढ़िया सा, आप चाहो तो ऊपर से नींबू भी डाल सकते हो उसमें, हरा हरा। और हमारा ऑरेंज चैलेंज ये शो मेरा। आपका ऑरेंज चैलेंज है, आज हम लोग पूरे दिन ऑरेंज फूड खाएंगे। और अगली तो मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बोला है आज वो सारा येलो येलो खाएगी, तो येलो पास्ता खाया, और अभी इनको आम कट करके दे दिए हैं, दोनों खा रहे हैं आराम से। तो मिष्टी ने बोला मम्मा आज आप ग्रीन खाओगे, तो मुझे ऑरेंज या येलो कलर का ही खाना है, तो अभी तो ये ठीक है, इनका ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, इसके बाद येल्लो राइस बनेगा इनके लिए, मेरे लिए क्या बनने वाला है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, फिलहाल तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, दूध तो पक गया है, ये फ्राई पैन यूज़ किया, इसको धोना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बस सब्जियां थोड़ी अपने लिए सब्जी फ्राई करी थी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं,
और इधर थोड़े थोड़े बर्तन है, बाकी तो धो के रख दिए थे, तो सारा चूल्हा क्लीन कर लेती हूँ, फिर दोपहर का दोपहर में ही बने। तो नाश्ता हो गया, पानी पीने का मन कर रहा, काफ़ी टाइम हो गया नाश्ता किए हुए। तो ये लिया है हरा हरा नींबू, ये हरा ही है, थोड़ा पीला होने वाला है, पर पीला होने में भी काफ़ी टाइम है, इसके पहले मैं इसे पी लेती हूँ। तो डालूंगी इसमें और पी जाऊँगी फटाफट से। तो एक गिलास पूरा भर के पानी पीने वाली हूँ, ये आधे लीटर की गिलास है। तो ये नींबू पानी अभी पीऊँगी, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी इसमें, बहुत बढ़िया सा चटपटा सा पानी है। तो सबका नहाना धोना हो गया है, बच्चों ने भी नहा धो लिया और इनकी चल रही है ड्राइंग। मैंने शुभ अपना पुराना ड्राइंग बुक, पुराना नहीं है बेटा, वो नया ही खरीदा था, क्यों खराब करवा रही हो? अरे मम्मा वो। तो अब हो चुका है लंच टाइम, लंच टाइम में ग्रीन कलर का क्या खाने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो के रख दी थी यहाँ पर मूंग दाल। तो मूंग दाल बिल्कुल हरी वाली इस्तेमाल करी है, और जिनको नहीं मालूम रहती है, मूंग दाल का नाम याद नहीं आता, तो हरी वाली दाल भी कहते हैं, तो ये हरा हरा तो है ही है। और साथ में इसमें डालूंगी थोड़ी सी मेथी धो करके रख ली है, वो डालूंगी तो और हरा हरा हो जाएगा। और हरी हरी चटनी तो मेरे पास है ही है, तो उसके लिए तो कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, बनी बनाई रखी हुई है, बस निकाल के खाना है। तो अभी इस बैटर को पीस लूँगी, और ज़्यादा कुछ तो डाल नहीं सकती इसमें, वाइट ना लहसुन डाल सकती, ना अदरक डाल सकती, हरी मिर्च जरूर डालूंगी इसमें। तो हरी मिर्च तो डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी चटनी में है, तो नहीं डालूंगी, बस इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। बस ऐसे ही सिंपल सा बना के खाऊंगी, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और हरा हरा भी है। तो ये बैटर तैयार हो गया है, इसे एक बॉल में डाल देती, थोड़ा पानी डाल करके इसको पीसा है। इसका बनाने वाली हूँ चीला, तो कुछ ऐसा है, रनी सा बैटर तैयार हुआ है, और इसमें ये जाएगी, इसमें अभी नमक और ये मेथी जाना है। मेथी को इस तरह से छोटा छोटा कट करके डाल दूंगी। तो इधर पैन भी गर्म हो गया है, और वही पैन इस्तेमाल किया जो सुबह इस्तेमाल किया था, और इसमें जाएगा नमक। मेथी मुझे बहुत पसंद है, मुझे कच्ची मेथी भी मैं खा जाती हूँ, और हरा हरा अगर खाना और सब्जी खाना होता तो मैं पक्के से मेथी मटर की सब्जी बनाती, बहुत अच्छी लगती है। तो ये बढ़िया सा हरा हरा बैटर बनके तैयार हो गया, धनिया पत्ती भी डाल सकती हूँ, बट ठीक है चटनी में इतना ज़्यादा धनिया है ना, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे फैला दूँगी इस तरह से, और अभी मैंने तेल का इस्तेमाल नहीं करा है, जब पलटूंगी तब तेल का इस्तेमाल करूँगी, हल्का सा लगाऊंगी बस, इसको अच्छे से पकने देते हैं एक साइड। तो ये एक तरफ तैयार हो चुका है, हल्का हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ इसमें, ऐसा लग रहा है जल गया है, मैंने थोड़ा हाई फ्लेम रख दिया था इसको। ओहो चलो कोई नहीं, टूट गया है, जला तो नहीं है, ठीक ही है। तो ये ऑलमोस्ट पहला चीला तैयार हो गया है मेरा, इसे मैं प्लेट में रख लेती हूँ, और यह और भी सारे चीले फटाफट से तैयार कर लेते हैं। और लग रही है जम के भूख, और मुझसे हो नहीं रहा है बिल्कुल सब्र, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना। बच्चों का तो बना दिया है येलो राइस, बस मेरा ही रह गया था, ये भी हो जाएगा फटाफट से। ये वाला बिल्कुल परफेक्ट बना है, एकदम अच्छा वाला रंग आया उसमें, वो थोड़ा सा डार्क हो गया था। वो बच्चे अपना येलो चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं, ये येलो येलो राइस खा रहे हैं, इसी नीचे नहीं गिरा ना बेटा, है ना? आ गरम है, फू कर लो, फू कर लिया, फू 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 फू, हाँ तो इसलिए तो बोल रही थी फैन चला दो, फू फू फैन चला रही हूँ मैं, चला रही हूँ। और इधर मेरा ग्रीन फूड रेडी है, हरी हरी चटनी, हरा हरा चीला, फैन चला लेती हूँ। और देखना,
तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, दोपहर में ही आ गए क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा खुला खुला सा है और हल्की हल्की सी धूप है, हल्का हल्का सा छाँव है। तो बच्चे यहाँ खेलने आ गए गार्डन में, मिस्टी इधर झूल रही है और ईशो यहाँ स्लाइड करने के लिए सोच रहा है, पर यहाँ क्या है थोड़ा गंदा है, पानी भरा रखा है यहाँ पे, तो उधर ही अभी ऐसे ही खेल रहा है। और गार्डन में थोड़े ही बच्चे, अभी कोई भी नहीं है, तो इनको धूप भी लग जाएगी और ये साथ साथ खेल भी लेंगे। हाँ वो उड़ नहीं सकती मिस्टी, वो सच में, हाँ देखो ना इसलिए तो बैठी नहीं, तो इतनी समय हम लोग को देखते से उड़ जाती वो। मम्मा अगर हम लोग किसके पास, वो बच्चा है मतलब, तो नहीं नहीं मिस्टी उसका पंख खराब हो गया, देखो उसके पंख खराब हो गए हैं। मम्मा ये देखो उसके पंख ना खराब हो गए इसलिए उड़ नहीं सकती, इसके पंख कोई काट दिया है पीछे से, काटा है। हाँ ये यहाँ से बिल्कुल टूट गए हैं पीछे से। मम्मा तो गार्डन से आकर के थोड़ा सा आराम किया था, अभी तो ये तो सो के उठ गई है और खा रही है अनार, इनको खाना है अनार और वो सो रही हैं, ये उठ गए हैं और वो लगता है आराम थोड़ा हराम हो गया है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या बोल रही हूँ। तो ईशु तो अभी सो रहा है और इन लोगों के लिए कुछ कुछ बनाना है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मुझे तो हरा हरा खाना है ना, तो हरे हरे में मैं सीताफल भी खा सकती हूँ, पर सीताफल शाम होगी इसलिए नहीं खाऊंगी, मुझे सुबह ही खा लेना था पर दिमाग से ही निकल गया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम खा लूँगी, कल खा लूँगी सीताफल, कल तो मंडे, इतनी जवाई आ रही है ना कि क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि अभी नींद और ले लूँ थोड़ी सी, हल्की सी नींद लगी ही थी जस्ट कि घंटी बज गई। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, घर में बेल लगवा लो ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उसकी फ्रेंड आ गई थी, तो मैंने बोला बेटा अभी जाओ, मिस्टी अभी सो रही है बाद में आना। तो अभी हरे हरे में क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा, हरी हरी सब्जियां तो बहुत हैं, देखती हूँ क्या खाती हूँ। तो ये लिया है यारू, ये बच्चों का बनेगा फ्रेंच फ्राई। मम्मा हाँ ग्रीन ग्रीन क्या बना, मिस्टी बोल रही है ग्रीन ग्रीन क्या, ये कोरोना वायरस वाला आलू है मिस्टी, इसको वायरस हो गया है, देखो इधर इधर वायरस हो गया, इसके वायरस को मैं निकाल करके इसको बनाऊंगी, ठीक है, ये हो रखा है इसको वायरस। तो आलू को अच्छे से दो तीन बार धो लिया है ताकि इसका जो भी ना वाइट कलर का स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए, चिपचिपा सा ना रहे, बिल्कुल खिला खिला सा बने। और इसमें डाल लिया ये कॉर्न फ्लावर, इसमें जाएगा सॉल्ट, बस मिला देना है फटाफट से, हाथ से क्रश करके थोड़ी ना मिला सकते हैं इसे। देखो आलू कितना पानी छोड़ रहा है, आलू को और सुखाना था पर आपको तो सब्र होगा नहीं इसलिए मुझे फटाफट से बनाना पड़ेगा, मुझे इतना सब्र होता नहीं है, लड्डू हो गए ये तो, मैं भी डालूं क्या मम्मा, नहीं 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 और तेल है ना इसमें आप नहीं डाल सकते, एक बार भी इतना ही। तो ये बिटिया रानी का फ्रेंच फ्राई तैयार हो गया है, लो मिस्टी खा लो, अभी ईशु का तैयार हो रहा है और मेरा भी ग्रीन ग्रीन कुछ बनाना है तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे हरे हरे खाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो यहाँ काट रही हूँ हरी हरी मिर्ची और यहाँ ले रखी है हरी हरी धनिया, मेरे पास पालक नहीं है एक्चुअली, मुझे पालक चाहिए थी, मैं बोलती चलो कोई बात नहीं उसकी जगह मैं डाल देती हूँ हरी हरी मेथी, तो यहाँ लिए हरी हरी मेथी, यहाँ लिए हरी हरी धनिया, इसको अच्छे से धो लिया है और यहाँ लिया है हरा हरा मटर, है ना, क्या बनाने वाली हूँ और देखते रहिए बस, इसे फिलहाल तो सारा कट कर लेती हूँ बारीक बारीक सा, फिर बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी, नहीं बनाऊंगी वो भी बना सकती थी पर वो खानी जाती है, पर मुझे हैवी नहीं खाना चाहता ना, बहुत लाइट खाना है, बहुत ज्यादा ही लाइट खाना खाना है, तो क्या तो बस अभी बना रही हूँ, आप देखना मैं क्या बना रही, बनने तो दो अभी, आप अपना फ्रेंच फ्राई एंजॉय करो, आप तो येलो चैलेंज कर रहे थे तो अब तो व्हाइट में आ गए आप, फ्रेंच फ्राई तो व्हाइट होती है, पर इसमें सारी चीज़ें ग्रीन नहीं यूज़ हो रही, कुछ वाइट भी यूज़ हो रहा है पर निकलेगा ग्रीन ही, बन के तो निकलेगा ग्रीन ही, जैसे अगर पालक पनीर बनाती तो पनीर तो वाइट होता है बट पालक ग्रीन होता है। तो बस ये कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें हल्का सा तेल डालूंगी ना, हेल्दी बनाना है मुझे तो ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, तो बस हल्का सा तेल डाला इसमें, बहुत हल्का सा, और इसमें जाएगा बेटा आप अपना खा लो, और इसमें जाएगी मिर्ची सबसे पहले,
मिर्ची डाल दी, अब इसमें डाल देती हूँ मटर। मटर डालने के बाद इसमें मेथी, क्योंकि छोले मटर है तो 50% तो पका ही रहता है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डाल देंगी मेथी और आधा धनिया। क्या क्या खाना पड़ता है ग्रीन ग्रीन के चक्कर में। और यहाँ पे मेरे पास है सूजी, तो ये रोस्टेड सूजी है, इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 चम्मच ये करीबन ले लिया है, तो भी इसमें भी मिला दूंगी। क्या हरी हरी खुशबू आ रही है इसमें से, और ये सारी की सारी धनिया चली जाएगी। ये और है ना हरा हरा, तो ये हरा हरा सा मेरा उपमा तैयार हो गया है। इसमें डाल दूंगी हरा हरा नींबू। तो ये रही मेरी मेरा हरा हरा उपमा। अब इसे खा के देखती हूँ कैसा है, कड़वा तो नहीं है, बहुत ज्यादा ही हरा हरा है। हरा है तो कड़वा होगा, क्योंकि मेथी तो अभी अच्छी आ रही है मार्केट में। अच्छा लग रहा है। क्या भी आ रही मैं, तो ये बढ़िया लग रहा है, टेस्टी लग रहा है और बहुत ही कम ऑयल से बना है इसे। खाने में तो बहुत लाजवाब है, मतलब अगर आप ग्रीन ग्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल भी ऐसा बना के खा सकते हो, ढेर सारी सब्जियां डाल करके। अच्छा लग रहा है ये, मैं तो अब बनाऊंगी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेथी का भी टेस्ट आ रहा है, धनिया का भी टेस्ट आ रहा है, और मटर और चटपटा लग रहा है। मिर्ची वगैरह डाली है ना, इन लोग की वजह से डाल नहीं पाती थी, ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बच्चे भी खाएंगे जब मिर्ची नहीं डालूंगी। नहीं खाना है मम्मा अभी, नहीं जब मिर्ची बिना मिर्ची के बनाऊंगी ना तब आपको खाना पड़ेगा। अभी तो ग्रीन गेले चैलेंज चल रहा है, कल खाऊंगी। फिलहाल तो मैं तो जस्ट अभी वॉक करके आई, आज सारा ग्रीन ग्रीन खा के अच्छा लगा, काफी अच्छा लग रहा है। तो रात को सोते समय मैं क्या लेती हूँ, कौन सी ड्रिंक बना के लेती हूँ, जो कि बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर यूज़ करना, खासकर बेली फैट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, और जो पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं। इसे मैं कंटिन्यू कभी 15 दिन लेती हूँ, फिर बीच में स्किप करती हूँ 1 वीक के लिए, या 15 दिन के लिए फिर से करें, फिर स्टार्ट करें, इस तरह से करें। किसी भी ड्रिंक को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो बस वही मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं बना रही थी, मेरा ख़त्म हो चुका था काफ़ी टाइम से, तो आज बना रही थी, बहुत ही बढ़िया है। आप इसे गुनगुने पानी में, गर्म पानी में ना इसे लो, सुबह उठते से ही लो, या रात में सोने के 1.5 घंटे पहले ले लो। तो वही बनाने जा रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। उसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, बहुत ही बढ़िया, एक बार बना के रख लो, और कितनी क्या मात्रा में है ये भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मेथी, ये मेथी के दाने हैं, तो इसमें से 2 चम्मच के करीब ले लूंगी मैं मेथी दाना। ये हो गया 2 चम्मच, और इसी चम्मच की मदद से मैं लूंगी इसमें से अजवाइन। आप चाहो तो किसी भी, जो आपका बराज इस तरह का है, या मतलब इस तरह से कुछ भी, या छोटी कटोरी है उससे नाप करके ले सकते हैं, पर सब बराबर क्वांटिटी में लेना है। और इसमें जाएगा 100, चली गई इसमें। अब इसमें जाएगी हल्दी, तो यहाँ पे पीसी वाली हल्दी ली है, तो ये थोड़ी कम ही जाएगी। अगर खड़ी हल्दी होती या टुकड़े में होती तो समझते हैं उसको कि बराबर डालना है, पर ये थोड़ी कम जाएगी इसमें। और इसमें जाएगी, जैसे 2-2 चम्मच सारी चीज़ें ली हैं, तो 1 चम्मच के करीबन जाएगी इसमें दालचीनी। तो दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास, तो मुझे अंदाज है कितना डालना है, तो ये डाल दिया। इसका पूरा पाउडर बनेगा, तो इसका ये पाउडर बन के तैयार हो गया है। हम किसी एयर टाइट कंटेन जार में से भर के रख लेंगे स्टोर करके। तो
तो इधर पानी गरम कर लिया है और पानी को डाल लेते हैं कप में और इसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा चम्मच है, वही इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। वो तो छोटा, बहुत ही छोटा, आप ये देख सकते हो कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसमें हाँ, और इसे इसी में रहने दूंगी और इसे ग्लास के जार में रखा है क्योंकि इसमें हल्दी है ना, हल्दी में तेल होता है तो इसलिए ग्लास का जार सबसे अच्छा है। और इसे रख लूँगी और इसे आराम से पीना है। आपको चाय की तरह पीना है, जैसे आप चाय पीते हो ना वैसे पीना है। रात में सोने के 1.5 घंटा पहले पीना है और सुबह उठते उठते आपको इस तरह का पानी गरम करके बिल्कुल, और इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें ताकि इसका जितना भी हल्दी वगैरह है ना सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। बस इसे मिला करके आराम से चाय की तरह आपको थोड़ा वक्त निकाल के पीना है और देखिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको बैली फैट भी कम होगा, अगर आपको थायराइड है, बीपी है, इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत हद तक बहुत कम हो जाएगी। और ख़ासकर जो थायराइड जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फुलावट रहती है बॉडी में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि मुझे अक्सर हो जाती है, मुझे थायराइड तो नहीं है बट फुलावट की शिकायत रहती है मुझे हमेशा, तो मैं तो अभी ये पी रही हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज का चैलेंज अच्छा लगा हो, लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि और किस तरह के चैलेंजेस देखना आप लोग पसंद करेंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।